हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। जहाँ पर मैच हो रहा है जापानीज लीग का। पिछला मैच मैंने कवर नहीं किया था जो कि हुआ था योकोहामा एफसी का, बिकॉज बेकार मैच था। तो इस मैच की बात करूँ तो ये भी इतना कोई खास मैच नहीं है। एक्चुअली जापानीज लीग ना थोड़ी अचीव है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, सुनो। तो पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे मैं कह रहा था, मैच अजीब क्यों है मैं आपको बताता हूँ। टोक्यो ने हर बार इनसे ऊपर रही है, ठीक है। अभी भी रैंकिंग में देखोगे तो टोक्यो इनसे जस्ट ऊपर है, लेकिन सैगन टोसू इनसे लास्ट के 5 मैचेस कैसे जीत गई, वो भी मतलब कोशिश ही नहीं करती टोक्यो। सैगन टोसू ने इनको लास्ट टाइम 2021 या 22 में, याद नहीं मेरे को, 21 में हुआ होगा मैच, तो 5-0 से हरा दिया था टोक्यो को। इट्स इम्पॉसिबल, कैसे अनएक्सपेक्टेड भाई, अब तो हो गया, इम्पॉसिबल भी नहीं बोल सकते। उसके बाद टोक्यो को नेक्स्ट मैच में, मतलब लास्ट मैच में जो अभी हुआ था कुछ महीने पहले, उसके अंदर 1-0 से हरा दिया। समझ नहीं आ रही कि सैगन टोसू कैसे बीट करती है टोक्यो को। तो ये थोड़ा है, भले रैंकिंग आप देखो या कुछ भी देखो, बहुत भारी पड़ती है भाई, बहुत भारी पड़ती है सैगन टोसू। तो सबसे पहले मैं सैगन टोसू की बात करूँ तो इनके प्लेयर लेना ज़रूर, ठीक है। आप ये मत समझना कि वो आज जीत जाएंगे, आज जीतना होगा जीतेंगे, लेकिन गलती नहीं, ठीक है। उसके बाद पहले डी ओलिविरिया को यहाँ पर कंफर्म करो अगर खेलता है। डी ओलिविरिया नहीं खेलता देन हर बंदा एडो सेंटोस की ओर भागेगा, मैं भी भागूंगा, ऐसी बात नहीं है। डिल्टन बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अगर मैं टोक्यो फेवर टीम होती तो हो सकता था डिल्टन मेरा कप्तान होता, ठीक है। और वाई ओनो की बात करें तो वाई ओनो को यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वाई ओनो को लेना इसलिए मुझे पड़ रहा है क्योंकि हर बार जैसे कि सैगन टोसू का टोक्यो के खिलाफ एक बेटर रिकॉर्ड है, भले ही उनका होम ग्राउंड, भले ही उनका होम फुटबॉल ग्राउंड हो, अवे हो, तब भी जीतते हैं। सो वाई ओनो को लूँगा। उसके बाद इवासाकी की बात करें, देखिए इवासाकी को मैं नहीं लेने वाला अगर खेल भी लेता है, ठीक है। मैं एक्चुअली मिडफील्डिंग के अंदर नागानुमा को लेकर थोड़ा सीरियस हूँ। नागानुमा को मेरा बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं है और मेरा दिल से आवाज़ है कि नागानुमा कुछ अच्छा करेगा आज के मैच में। और हीरो गोमे की बात करें तो अनहोरी गोमे को यहाँ पर नहीं लेकर आपको एस कावाहारा को लेना चाहिए। कावाहारा इज़ मच बेटर देन नागानुमा, ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। आर वटनबे की बात करें तो यहाँ पर लूँगा आर वटनबे को। आर वटनबे के बाद जो अगला प्लेयर है दैट वॉज के हिगाशी, ठीक है। के हिगाशी के साथ जाएंगे, ये हमारी टीम है। और प्लेयर्स की बात करूँ देन मतलब इतने खास नहीं है, जैसे कि आप इसको ही ले लीजिए, टोक्यो का प्लेयर है की कोज्यूमी, ये भी इतना बेटर नहीं है। पता नहीं लोग क्यों लेते हैं, पिछले मैच में भी इतने लोगों ने ले रखा था, लोगों को लगता है गोल करेगा भाई, 10 में से 1 बार तो करेगा ही, समझ नहीं रहे यार तुम लोग, ठीक है, एक बार तो करेगा ही। फिर आप बोलते हो एक्सपेक्टेशन ऐसे नहीं लगती, ठीक है। और स्ट्राइकिंग जैसे मैं बात कर रहा था, तो स्ट्राइकर अगर बढ़ाना हो तो एडिल्टन ले सकते हो, डी ओलिविरिया की जगह पर भी ले सकते हो। और डिफेंडिंग सेक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं लूँगा हरादा को, वातुरा हरादा, ठीक है। एंड उसके बाद जो अगला प्लेयर है वो यामाजाकी के साथ जाएंगे। यामाजाकी के बाद जो हमारा अगला प्लेयर आ जाता है वो है नाराहारा, ठीक है। नाराहारा तो बहुत ज़रूरी है, लास्ट मैच के अंदर क्या ही गेम थी इस बंदे की, काशिमा एंटलर्स के खिलाफ जो इसने गोल किया था दैट वॉज अमेजिंग, थर्ड डिफेंडर गोल आया था इस खिलाड़ी का। और साकामोटो नहीं खेल रहा जिस कारण हो सकता है हमें एच सीओक हो को मतलब लेना पड़े, सो मैं इसको लूँगा। एंड आगे से बात करें गोल कीपिंग की, देर वो स्लोविक सबसे अमेजिंग प्लेयर है, नाम जरूर स्लो है लेकिन नहीं, प्लेयर अलग है, मैं खुद कह रहा हूँ। बात करें कप्तान की, जो मेरा कप्तान है वो है गाइस, यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, टेकिंग रिस्क, तो नागानुमा है वाइस कप्तान, वाई ओनो, बहुत रिस्की टीम है तो हो सकता है इसमें रिस्क काम करे, बट इस मैच में ज़्यादा मत खेलना प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि ये मैच उतना अच्छा है नहीं जितना कि आप लोग समझ रहे हो। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।